नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2020 और आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई मामलों में बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज जो डेली 30 लेट हो रहा है इसका कारण भी ये खुशी ही है। देखिए, जो भी काम हम करते हैं वो रिजल्ट के लिए करते हैं, और ये जो रिजल्ट होता है वो एक दिन आता है और हम काम साल भर करते रहते हैं, और जब ये रिजल्ट आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस रिजल्ट में ही वो क्षमता होती है जो कि उन सारी चीजों को बदल दे जो आपके आसपास नेगेटिव वाली चीजें हैं। इस रिजल्ट में वो क्षमता होती है जो आपकी जिंदगी को बदल दे। आज प्रारंभिक परीक्षा BO का रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट के बाद जब मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए, मेरे पास कॉल आने शुरू हुए, मैंने खुद कई लोगों का रिजल्ट देखा जो मेरे करीबी लोग थे, तो मुझे जो खुशी हुई उसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा अप्रत्याशित भी है, मतलब लोग जो कयास लगा रहे थे, यहां तक मेरा भी थोड़ा अंदाजा था कि थोड़ा ज्यादा मेरिट जाएगी, लेकिन कम मेरिट पे हुआ और बहुत सारे लोगों का हुआ। बात मेरिट की नहीं है यहाँ, यहाँ पर बात सफलता की है, और एक पड़ाव पार हो गया, अगले स्टेप पे ये लोग पहुंच गए। तो जितने लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और IAS Prep टीम को इस बात की बहुत खुशी है कि जो काम हम लोगों ने मेहनत करके किया उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। और आज करीब 50-60 फोन हमारे पास आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं कि सर IAM IAM क्वालिफाइड। डेली 30 का भी बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया अदा किया। ठीक है, ये आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोग इसको जैसे भी चाहे धन्यवाद बोले, जैसे चाहे उपयोग करें। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30, और आज से हम करंट अफेयर के साथ में टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम भारत के भूगोल में एग्रीकल्चर के कुछ पोर्शंस को करेंगे। उसके पहले हम आज का जो करंट अफेयर है उसको कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को नई फसल बीमा योजना को मंजूरी प्रदान। करंट अफेयर हम बाद में ही करते हैं, पहले हम एग्रीकल्चर वाला ही ये पोर्शन कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को नई फसल बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके अंतर्गत केवल वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को ही शामिल किया गया। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, तो जो फसल बीमा योजना है इसके अंतर्गत केवल वाणिज्यिक और बागवानी फसल नहीं, रवि, खरीफ, वाणिज्यिक, बागवानी, इन सभी फसलों को शामिल किया गया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है वो दोहा मंत्री स्तरीय वार्ता नवंबर 2001 के बारे में है। इसमें गैर कृषिगत उत्पादों के व्यापार को अधिक उदारीकृत बनाने हेतु वार्ताओं को आरंभ करने पर सहमति हुई, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि वर्ष 2007 के प्रारंभ में नामा पर वार्ता करने वाले एक दल की स्थापना की गई। अब ये तो जो पहला दिया है कि दोहा मंत्री स्तरीय वार्ता ये नवंबर 2001 में शुरू हुई, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नामा पर वार्ता 2007 में शुरू हुई, तो 2007 में नहीं, ये 2002 में शुरू हुई थी। नामा पर वार्ता 2002 में शुरू हुई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, और इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है इसका, गैर कृषिगत उत्पाद बाजार पहुंच विश्व व्यापार संगठन के ऐसे प्रावधान हैं जो सदस्य देशों के बाजारों में गैर कृषिगत उत्पादों की पहुंच स्थापित करने से जुड़े हुए हैं। यानी कि सदस्य देशों के जो बाजार हैं उनमें गैर कृषिगत उत्पादों की पहुंच स्थापित करते हैं, वही गैर कृषिगत उत्पाद बाजार कहलाते हैं। बिल्कुल सही है ना, गैर कृषिगत उत्पाद बाजार, यही जो नामा अभी आया था, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्सेस, नामा इसको बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्सेस। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, विकासशील देशों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विकासशील देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, विकासशील देश इसका क्यों समर्थन करेंगे, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। आप सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी में ऐसा एग्रीकल्चर तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ये ऐसा एग्रीकल्चर है जो पूछा जाता है, पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ लीजिए, ऐसे प्रश्न अक्सर आपको मिल जाएंगे, इनको करंट से बस आपको रिलेट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम से कम करके कृषकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से किस राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया। अब आप सोचेंगे इसको तो पढ़ा है, तो 2016 में 14 अप्रैल 2016 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ई नैम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया था? वही प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ई नैम, और ई नैम का शुभारंभ कब किया गया था? 14 अप्रैल को किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ 26 मई 2017 को हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई थी, क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, क्योंकि 2015 में ये शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी? 2015 में, 17 में ये नहीं शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 2015 में। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य समुचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धति के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश सहबद्धता को प्रोत्साहित करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से इस सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो सही है, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, केवल दो सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रबी फसल, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ये सब रबी फसल है, बिल्कुल सही है। खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, ये आते हैं, ये भी सही है। जायद की फसल में तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब दिया हुआ है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि जायद की फसल में तंबाकू, मूंग, ये सब नहीं होता है। जायद की फसल में सब्जी होते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना? और मूंग, उड़द और कुल्थी, ये जो फसल है, ये दलहनी फसल है, ये भी उगाई जाती है, लेकिन इसमें तंबाकू नहीं होता। तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यही सही उत्तर होगा। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सब आप तैयार रखिए, कभी भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है, मार्च में बोके जून तक काट ली जाती है, अगला जो ये प्रश्न है। और देखिए, क्या खरीफ की फसल में ऐसा होता है? खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी नहीं जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो पहला तो गलत हो गया, और दूसरा है कि जायद की फसल जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो जायद की जो फसल होती है ये मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है, तो ये गलत हो गया, यानी कि एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि प्रणाली में वर्ष में मुख्यतः चार फसलें उगाई जाती हैं, अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है, मुख्यतः चार फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? मुख्यतः तीन फसलें उगाई जाती हैं, चार नहीं उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद, यही तीन फसलों का मेन मौसम होता है हमारे यहाँ। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई में काट ली जाती है, तो रबी की फसल के बारे में सही दिया है, अक्टूबर नवंबर में अभी गेहूं बोया जाएगा और अप्रैल मई तक उसको काट के निकाल लिया जाएगा, उसका दाना, अनाज पैदा हो जाएगा उससे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, देश में विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। पारिस्थितिक विभिन्नता होती है तो अलग अलग फसल चक्र अलग अलग क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। धान गेहूं की पादप पोषक तत्व आवश्यकता कम होती है, धान गेहूं की नहीं, यहां पर को होना चाहिए, तो धान गेहूं को पादक पोषक तत्व आवश्यकता कम होती है, ये गलत लिखा हुआ है, इससे आवश्यकता ज्यादा होती है पोषक तत्वों की, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र का सही उदाहरण नहीं है? एक वर्षीय चरी, वर्षीम, धान, गेहूं, मूंग, सही है। द्विवर्षीय टिंडा, आलू, मूली, करेला, आलू क्या 2 साल में तैयार होता है, या मूली करेला 2 साल में? तब तो भैया मूली लगाएंगे और पता चला कि दो साल बाद तैयार हो रही है तो मूली खा चुके, इधर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मूली, करेला और ये सब बहुत कम समय में तैयार होने वाले फसल है, तो दूसरा ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उत्तर। बाकी तीन वर्षीय में मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं, ये सब इसमें जो है ये तीन वर्षीय फसलों के अंतर्गत आते हैं, ये क्या सही है? तीन वर्षीय जो है, यानी कि हरी खाद इसमें डाली जाती है, जैसे आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंगफली, अरहर, ये सब इसमें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, फसल चक्र का उदाहरण नहीं है, फसल चक्र के उदाहरण एक वर्षीय, हाँ ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और तीन वर्षीय, ये ऐसे ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फसल चक्र को अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पहला बिल्कुल सही है, फसल चक्र अगर आप अपनाएंगे यानी कि एक फसल पहले फिर दूसरी फसल दूसरे प्रकार की बोएंगे तो मृदा की उर्वरा शक्ति यानी एक तरीके के तत्व नष्ट नहीं होंगे, और कुछ जैसे दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, ऐसे तो फसल का अगर बार बार आप एक चक्र अपनाएंगे तो उसमें मृदा की उर्वरा शक्ति फर्टिलाइजेशन जो है वो बनाए रखने में मदद मिलेगी। फसल चक्र को अपनाने से रोग कीट एवं खरपतवार के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगला है, फसल चक्र को अपनाकर सीमित संसाधनों में अधिक उत्पादन करना संभव होता है, ये भी सही है। और सस्य प्रतिरूप के आधार पर देश में दो प्रकार की कृषि की जाती है, तो दो प्रकार की कृषि नहीं की जाती है, और ये इसका सही क्या होगा, तीन प्रकार की कृषि की जाती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की कृषि की जाती है, तो ये डी गलत हो जाएगा और सही उत्तर यही असत्य पूछा जा रहा था, तो डी ही सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, फसलों को ऐसे क्रम में उगाया जाना जिससे कि भूमि की उर्वरता शक्ति का न्यूनतम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता है उसका ह्रास न्यूनतम हो। बिल्कुल सही है, फसल चक्र से यह फायदा मिलता है। फसल चक्र के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाता है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद में कम जड़ों वाली फसल को उगाया जाए। जैसे गहरी जड़ों वाली जो फसल होती है वो ज्यादा गहराई से पानी को सोख लेती है, पानी को खींच लेती है, तो खेतों में नमी की मात्रा कम हो जाती है। जो कम गहराई वाली है वो ऊपर से ही पानी लेती है, तो इस तरीके से बारी बारी से जब कम गहराई वाली जड़ ज्यादा गहराई वाली जड़ ऐसी फसलें लगाई जाएंगी तो उसमें ठीक रहेगा, काफी कुछ सही रहेगा। अब यहां पर ये देखिए, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में कम जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। अब ये जो है कम गहरी वाली फसलों अगर आपने लगाई है तो कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में फिर से इसका उल्टा होगा, तो पहले कम वाली फिर ज्यादा वाली ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा लिख दिया गया है कि गहरी जड़ वाली के बाद में कम जड़ वाली, तो एक रूप में ये गलत है। कैसे? पहले कम जड़ वाली और उसके बाद में ज्यादा गहरी जड़ वाली, कम जड़ नहीं, कम गहरी जड़ और फिर ज्यादा गहरी जड़, तो एक रूप में ये क्वेश्चन जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका गलत हो जाएगा, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सस्यन प्रणाली एक स्थान विशिष्ट प्रणाली है जो वातावरण के बदलने से परिवर्तित हो जाती है। सस्यन प्रणाली एक विशिष्ट प्रणाली है, वातावरण बदलेगा तो ये बदल जाएगी, बिल्कुल सही है, और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सभी संसाधनों जैसे कृषि जल और सौर विकिरणों का समुचित उपयोग करना है, तो ये बात भी सही है, सबका समुचित उपयोग हो जाएगा अगर अलग अलग तरीके से करेंगे। ऐसा थोड़ी ना जहां पे अनार की खेती होती है वहां पे सेब की खेती आप कर देंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, जहां लीची होगी वहां लीची होगी। कहने का मतलब सस्यन प्रणाली एक विशिष्ट प्रणाली है जो वातावरण के बदलने के साथ परिवर्तित होती रहती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, और इसका उद्देश्य यही होता है कि संसाधन भूमि जल सौर विकिरण इनका समुचित उपयोग हो सके। अगला प्रश्न है, तकनीकी दक्षता एवं कुशलता वर्तमान कृषि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे गतिशील प्रभावी कारक है। क्या है? सबसे गतिशील प्रभावी कारक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कृषि योग्य भूमि पर एक वर्ष में एक बार उगाई गई फसल सस्य गहनता कहलाती है। सस्य गहनता या फसल गहनता का मतलब क्या होता है? एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की जो बारंबारता होती है। कृषि योग्य भूमि पर एक वर्ष में एक बार नहीं, एक वर्ष में बारंबारता कितनी है ना, एक कृषि वर्ष में उगाई गई कितनी फसलें हैं उनकी जो संख्या है वो होती है, यानी कि एक कोई फील्ड है, ये कोई एरिया खेत का है और यहां पर आपने पहले गेहूं लगाया है ना, उसके बाद में इसी में कुछ दिन के बाद में आपने मक्का लगाया, धान लगाया, इस तरीके से, तो कितनी फसलें उगा रहे हैं, तो ये परिभाषा गलत दी हुई है ना, एक वर्ष में एक बार नहीं, इसमें कई बार बारंबारता देखी जाती कौन कौन सी फसलें, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का संरचनात्मक कारक नहीं है? कृषि में आधुनिकता एवं उत्पादकता बढ़ाने वाले तकनीकी उपकरण ये इसके कारक हैं, संरचनात्मक कारक हैं। कृषि शोध ये संरचनात्मक कारक है, विज्ञान आधारित निवेश ये संरचनात्मक कारक है, लेकिन जो भूमि का पुनर्वितरण है ये संरचनात्मक कारक नहीं है। तकनीकी उपकरण, कृषि शोध पद्धतियां, विज्ञान आधारित जो निवेश है, ये सब संरचनात्मक कारक में आते हैं, है ना, जैसे HYV जो है, उच्च गुणवत्ता वाले जो हाई वैरायटी वाले सीड्स होते हैं वो,
रासायनिक और जैव उर्वरक, सिंचाई, ऊर्जा, मशीनीकरण जो किया जाता है, कीटनाशकों के साथ साथ कृषि का जो विपणन है, ये सब जो चीजें हैं ये इसमें आती है, लेकिन भूमि का पुनर्वितरण इसमें नहीं आता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का संस्थागत कारक है? संस्थागत कारक कौन से हैं? बिचौलियों का अंत, चकबंदी, काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना अधिकार, ये सब संस्थागत कारक हैं। हदबंदी, चकबंदी, काश्तकारी सुधार, ये सब जब होते हैं तो ये संस्थागत कारक में शामिल किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्या ये सही है? भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कृषि जलवायु प्रदेश है भारत के वो 15 है इनकी संख्या, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी की उर्वरता कृषि के संरचनात्मक कारक है, तो ये जो है ये कृषि के संरचनात्मक कारक नहीं है, ये भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं, भौतिक कारक नहीं है, संरचनात्मक कारक नहीं है, भौतिक कारक है। इस तरीके से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों में से दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। अगला प्रश्न, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जो विभिन्न रूपों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करती है, सही है? असत्य आपको बताना है तो ये तो सही है। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 56.46% था, ये भी सही है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन जीवीए जो है उसमें पशुधन की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 से लगातार घट रही है, लगातार घट रही है, ये जो बात कही जा रही है। अगला पढ़ लीजिए फिर इसमें मैं बताता हूँ। कृषि क्षेत्र में योगदान में निरंतर कमी का कारण जीडीपी में सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का बढ़ना है, ये तो सही है। लगातार घट रही है ऐसा आप नहीं कह सकते, अगर ऐसे आंकड़े हैं तो ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा डेटा नहीं है, लगातार घट नहीं रही है। 16-17 में यह 17.4% था, ठीक है ना, कृषि का योगदान जो है ये भी आप ध्यान रखिएगा, और 11-12 से लगातार ये जो पशुधन की हिस्सेदारी है ये बढ़ रही है। कृषि का योगदान एक प्रकार से घट सकता है, लेकिन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जो पशुधन की हिस्सेदारी है ये लगातार बढ़ रही है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा, बाकी ये स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोच समझकर क्वेश्चन को सही से आप पढ़ेंगे तो उसका 50% सोल्यूशन अपने आप समझ लीजिए हो गया। भोजन की आपूर्ति के अतिरिक्त कृषि से उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है, कोई गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, भोजन की आपूर्ति तो होती है, उद्योगों को कच्चा माल भी इससे प्राप्त होता है। उद्योगों के विकास में कृषि का कोई योगदान नहीं होता है, अब ऐसा कैसे कह सकते हैं, कैसे नहीं होता है, कच्चा माल कैसे मिलेगा? तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाला प्रश्न हुआ, बहुत ही सरल गधा टाइप का प्रश्न। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। वोडाफोन ने हेग स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध 22,100 करोड़ रुपए के कर विवाद में जीत हासिल की है, वोडाफोन ने ये जीत हासिल की है, ये सही है, ठीक है ना। तो मध्यस्थता न्यायालय जो है वहां पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पर भारत सरकार के विरुद्ध ये इसने जीत हासिल की है, बड़ी बात है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दरअसल इस मामले की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी, जब मई माह में अमेरिकी कंपनी वोडाफोन ने बहुराष्ट्रीय कंपनी हचिसन व्योहपोवा के भारतीय दूरसंचार व्यवसाय का अधिग्रहण किया था, तभी से ये विवाद स्टार्ट हुआ था ऐसा इसमें कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो विवाद शुरू हुआ था 2007 में, जब वोडाफोन कंपनी ने $11 बिलियन की लागत से हचिसन व्योहपोवा के भारतीय दूरसंचार व्यवसाय का, पहले हच एसआर हुआ करती थी ना, तो उस कंपनी का 2007 में इसने अधिग्रहण किया था वोडाफोन ने, तब से ये विवाद शुरू हुआ था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 लागू हो गया है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। आयोग का अध्यक्ष जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और अधिनियम 2019 का है। किस विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, कौन देगा? तो ये दिया है एशियाई विकास बैंक ने, विश्व बैंक भी दे सकता है लेकिन एशियाई विकास बैंक ने इसको दिया है, ध्यान रखिएगा, $300 मिलियन और मध्य प्रदेश शहरी विकास के लिए 270, यानी कि राजस्थान के लिए $300 मिलियन, इसमें दो भागों में इसको बांटिए, एक $300 मिलियन जो दिया है ये राजस्थान के लिए दिया है, बाकी जो बचा 270 ये मध्य प्रदेश के लिए दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में। कहां पे? ग्वालियर में इसको स्थापित किया जाएगा, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का सेंटर होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया। चार देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित वार्ता का नाम क्या है? तो ये वार्ता जो आयोजित हुई इसका नाम क्वाड है। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसको बोलते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन चार देशों ने आम हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अंतिम मंत्रिस्तरीय बैठक में सितंबर 2019 में जिसका आयोजन किया गया था उसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का संकल्प लिया कि और प्रतिबद्धता मतलब व्यक्त की कि यहाँ पर हम ये जो पूरा क्षेत्र है इसका समावेशी विकास करेंगे और इन चारों देशों का इसमें योगदान है। अगला जो प्रश्न है, भारत में किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये देश है श्रीलंका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चीन अक्सर श्रीलंका को अपने करीब खींचने की कोशिश करता रहता है, ऐसे में भारत भी कोशिशें करता है कि उसकी कोशिशों को नाकाम किया जाए, जबकि चीन की जो कोशिशें होती है वो पैसे से भरपूर होती है। कई बार वहां के नेताओं को वो सीधे डायरेक्ट पैसा भी दे देता है ना, कि किसी तरीके से हमारे पक्ष में वहां की जो सरकार है वो रहे। चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है, भारत भी अपने प्रयास करता है शांतिमय तरीके से। अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को अधिसूचित किया है? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? केंद्रीय मंत्रालय है और हाइड्रोजन ईंधन की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानक सूचित कर रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय मत मानिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लुसेर पारितंत्र गुजरात में एक वन क्षेत्र है और लुसेर पारितंत्र सबसे प्राचीन और जीवन समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक वन क्षेत्र है। कहां पर है? सुमात्रा में। और सुमात्रा कहां है? इंडोनेशिया में। तो पहला तो गलत हो गया, यहां तो गुजरात में ले आए, मोदी जी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, वन क्षेत्र नहीं ला सकते। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, केवल दो सही है और इसको माना जाता है ये पृथ्वी पर अंतिम स्थान है जहां पर सुमात्रा के आरंगुटान, हाथी, बाघ, गैंडे और सन बियर्स अभी भी एक पारिस्थितिकी आवास में मौजूद मिलते हैं। पाम ऑयल वनस्पति तेल के मुख्य वैश्विक स्रोत के रूप में उभरा है जो दुनिया के उत्पादन मिश्रण का लगभग 33% है। पाम ऑयल इतना ज्यादा कवर करता है, पूरा जो वनस्पति तेल जितना बनता है उसमें 33% पाम ऑयल है, पहला सही है। और भारत दुनिया में पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया में पाम ऑयल का दूसरा नहीं सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा आयातक है। पहला सबसे बड़ा कहने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी आपने पढ़ी होगी और जिनको बीओ का मेंस देना है और आरओ का मेंस देना है उनको तो हिंदी और दुरुस्त रखनी है, तो वाक्य वर्तनी शुद्धि उसको सही रखिए। प्रारंभिक परीक्षा जो पीसीएस की हो रही है 11 अक्टूबर को, उसके बाद में हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे बीओ और आरओ के लिए। जैसे यहां पर सफलता का परचम हमने लहराया हमारी टीम ने, ऐसे मैं आशा करता हूं कि फाइनल सिलेक्शन में भी हम रहेंगे और ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये आपकी मेहनत से होगा। तो आप इस कार्यक्रम में शामिल होइए अगर आपकी इच्छा है और मैं चाहता हूं आईएएस प्रेप फैमिली का आप मेंबर बनिए और जिससे यहाँ जो हम लोग मत जैसा भी टीम के द्वारा मेहनत करके जो भी मैटर तैयार करते हैं उसको भुनाने का जो कार्य होता है वो आपका होता है। अगर यहाँ पर कुछ भी पका दिया जाए और उसको कुछ कोई खाए ना तो किसी मतलब का नहीं है, तो वो खाने की और उसके स्वाद को बताने की जिम्मेदारी आपकी है और उससे जो ताकत आपको आएगी वही ताकत आपको सफलता दिलाएगी। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से सही हैं ये विचार करना है। आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए नासा के नए रॉकेट जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है को चुना गया है। तो आर्टेमिस कार्यक्रम कल भी डिस्कस हुआ था, तो इसको स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है, इसको चुना गया, पहला सही है। और नासा ने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए तिब्बत में एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम भी स्थापित किया है। तो ये कहां पर स्थापित किया है एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम? ये कैनेडी स्पेस सेंटर में स्थापित किया है, तिब्बत में स्थापित नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये तिब्बत गलत दिया है,
बाकी एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम यह स्थापित हुआ है कहां पर, कैनेडी स्पेस सेंटर में स्थापित किया गया है। आर्टिमिस कार्यक्रम और नासा के अन्य भावी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सके इसके लिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनको मेंस देने का मौका मिल रहा है खंड शिक्षा अधिकारी का, और उन लोगों के साथ हम लोग हमेशा हैं जो थोड़े बहुत नंबरों से चूक गए हैं। कभी कभी होता है कि हमें नॉलेज होता है, हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है हम पढ़ नहीं पाते हैं एग्जामिनेशन के समय, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तो आप सफल हो जाएंगे परीक्षा में। और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे सिलेक्शन होता है, कई बार छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, तो उस समय का इंतजार करिए। अगर आपके हाथ इस एग्जाम की निराशा लगी है, जिंदगी की निराशा नहीं लगी है, आपके हाथ इस एग्जाम की निराशा लगी है न कि जिंदगी की निराशा, जिंदगी में निराश मत होइए, हताश मत होइए, आप पढ़ते रहिए, डेली आप मेहनत करते रहेंगे तो उस चींटी को याद करिए जो छोटे 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 टुकड़े ला ला के और कितना इकट्ठा करते, उस चिड़िया को याद करिए जो घोंसला बनाती है और छोटे छोटे तिनके लगा के कितना बढ़िया आलीशान बंगला अपना खड़ा कर देती है। आप ही ऐसे मेहनत करते रहिए और वो दिन दूर नहीं जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।